नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई संदीप खान सर पे। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं और आज की जो वीडियो रहेगी वो बहुत बच्चों ने एग्जाम दिए थे जुलाई और अगस्त महीने में, उनका रिजल्ट बहुत से कैटेगरी का आ भी चुका है और बहुत सी कैटेगरियों का नहीं भी आया है। और जो सबसे ज़्यादा वेट करा रहा है वो रिजल्ट कौन सा रहेगा? GNM और MPSW का। GNM और MPSW यानी इन पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था वो 25 जुलाई को हुआ था और इनके बाद में जो एग्जाम हुआ उनका रिजल्ट भी आ गया और पहले जो एग्जाम हुआ उनका रिजल्ट भी आ गया, यानी DV का रिजल्ट आ चुका है। यानी इन दो जो पोस्ट थे इनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और बच्चों को बहुत वेट है अभी हमारा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि लगभग 1600 के करीबन पोस्ट थी और 10,000 बच्चों ने, लगभग 10-11,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो बहुत से बच्चों की ये उम्मीद भी है अभी हमारा सिलेक्शन होगा और मैंने कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है, वो एक बार देख सकते हो। फिर भी अगर बच्चे कॉमेंट करके कहते हैं सर एक बार एनालाइज करके एक और वीडियो बना दीजिए भी कट ऑफ किस कितने नंबर के आसपास रहने वाली है डीवी के लिए, तो मैं एक वीडियो और भी बना दूंगा। तो रिजल्ट की बात करें ना, रिजल्ट इनका कब आएगा? देखो बहुत से यूट्यूबर है हर रोज वीडियो बना देते हैं रिजल्ट ऐसे आएगा। मैंने पहले अगस्त में वीडियो बनाई थी, अगस्त में आपका रिजल्ट आना था लेकिन वो नहीं आया क्योंकि कुछ कारणवश नहीं आया। तो अब बता देता हूँ इस भर्ती के ऊपर रिजल्ट क्यों रोका गया है और कब तक इनका रिजल्ट आएगा, इस भर्ती पर केस है या नहीं ये भी आपको प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा। क्योंकि भोपाल सिंह जी जो HSC के चेयरमैन हैं उनका इंटरव्यू लिया था राजेश जी ने और उस वीडियो कल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भोपाल सिंह जी ने क्या कहा है। तो ये इंटरव्यू कल का था तो उसके बारे में आप एक बार रिजल्ट के बारे में वो वीडियो देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे भर्ती के ऊपर केस है या नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे है जो भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को भी इस पे केस हो गया, रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, कब उनका DV होगा। तो आप देख सकते हो रिजल्ट कब आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा भाई आपका रिजल्ट कब आने वाला है। भोपाल सिंह जी ने खुद इंटरव्यू में ये कहा है भाई बहुत ही जल्द उनका रिजल्ट आने वाला है और मैं आपसे राय लेना चाहूंगा, आप चाहेंगे तो भी एक कट ऑफ की वीडियो और बनाऊंगा और उसके बाद में चलो इस वीडियो क्लिप के बाद में डिस्कस करते हैं चीज पे। दूसरा सर, HSSC के स्टाफ नर्स के और MPSW की 15/2019 के आपने बहुत सारे भर्तियों के एग्जाम कंडक्ट करवाए थे, अभी कुछ भर्तियों के रिजल्ट आ गए हैं, कुछ के अभी तक पेंडिंग है। ऐसा है कि हमने जो है ये लगभग 50-52 कैटेगरियों के एग्जाम लिए 13 जुलाई से 20 अगस्त तक, कुछ के हमारी वेरिफिकेशन चल रही है परेड ग्राउंड सेक्टर 5 में और कुछ का अभी रिजल्ट रिटर्न का हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निकालने वाले हैं। स्टाफ नर्स और MPSW की जैसे आपने बात की, हेल्थ को भी जरूरत है और ये हेल्थ से जुड़ी पोस्टें हैं तो हम इनको जल्दी भरने वाले हैं और शायद इसी हफ्ते में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल MPSW स्टाफ नर्स का डालने वाले हैं। कई बार सुनने में आके इन भर्ती पर केस है इसलिए HSSC थोड़ा लेट कर रहा है इनका काम। ना कोई केस नहीं। केस तो जब सिलेक्शन तक पहुंचता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहुंचता है उसके बाद आने शुरू होते हैं केस, तो तब केस रिटर्न टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कोई केस नहीं होता, फाइनल स्टेप पे पहुंच जाता है। फाइनल स्टेप पे, ठीक है जी। दूसरा, आगे भविष्य में MPSW की नई भर्तियां सर, कोई मेडिकल लाइन की भर्तियां कुछ अभी हमारे पास नहीं आई, शायद सरकार अगली सारी भी जो रिक्विजिशन या डिमांड है नई पोस्टों के लिए विज्ञापन अब शायद CET के बाद करना जाए, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो सर क्या इन पदों के लिए भी CET भी एप्लीकेबल हो सकता है? हाँ, पुलिस और PGT और TGT को छोड़ के हर पोस्ट पे CET लागू होगा। आपने देख लिया होगा भी रिजल्ट आप कब आने वाला है, तो यानी उनका इंटरव्यू कल ही हुआ है, यानी 29 सितंबर को उनका इंटरव्यू हुआ है और वो 1 वीक की यानी बोल रहे हैं अभी 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इनसे मान के चलो 5 दिन प्लस कर लो, यानी 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा DV के लिए। तो यानी बहुत बहुत बधाइयाँ और जो एक आस उम्मीद थी रिजल्ट जल्द कब आएगा, अब भोपाल सिंह जी ने खुद इंटरव्यू में ये कह दिया है बहुत जल्द उनका रिजल्ट आने वाला है, यानी उन्होंने 1 वीक बोला, इससे आप डबल कर सकते हैं यानी 15 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अब आपसे मैं राय लेना चाहूँगा, आप चाहेंगे तो मैं एक कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो और बना देता हूँ कट ऑफ के ऊपर। देखो ज़्यादा वीडियो तो मैं नहीं बनाता, मैंने GNM का जो कट ऑफ के ऊपर एक ही वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैं एक DV के लिए बनाई थी। और अब अगर आप चाहते हो कट ऑफ के ऊपर एक बार एनालिसिस करके सभी बच्चों का, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अपना जो उनके नंबर है वो एक बार कॉमेंट करके जरूर बता देना, एनालिसिस कर लूँगा अच्छी तरह से फिर आपको बता दूंगा इसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ रहने वाली है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको तैयार रखने वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। हाँ, दोनों बच्चे MPSW और GNM और MPSW
दोनों बच्चे कमेंट करके बता देना सर हमारे MPSW में इतने बनते हैं और JNM में इतने बनते हैं, तो मैं उनकी कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा। और उम्मीद करता हूं भाई आपका सिलेक्शन DV के अंदर हो और फाइनल सिलेक्शन भी हो, आपके हाथ में आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से दुआ करूंगा भी आपका रिजल्ट भी हो, रिजल्ट आए और आपका उसमें नाम हो, वो एक खुशी के पल वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। अगर आप कमेंट करके बताते हो सर कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाओ और DV के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं उसके ऊपर वीडियो बनाओ, कौन से तैयार रखने हैं, तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। हाँ, वीडियो आपको कैसे लगी लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।